स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में क्लस्टर स्तरीय वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसमें 10 पाठशालाओं के 984 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने कवाली, योग, एकल गान, समूह ज्ञान, गिद्दा, भंगड़ा, देशभक्ति के गीत, स्किट, पहाड़ी नाटी की रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं इस दौरान मंत्री राजेश धर्माणी भी बच्चों के साथ नाटी डालते नजर आए। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि संसाधनों को साझा कर और समग्र गतिविधियों के जरिए गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाया जाए, जिसके लिए क्लस्टर स्कूल बनाए गए हैं। पिछली सरकारों में सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए थे, मगर आज कई स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने क्लस्टर सिस्टम डेवलप करने का निर्णय लिया है। उसके आसपास के जो स्कूल हैं आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके। अगर हम गांव के बच्चे को सिर्फ गांव तक सीमित कर देते हैं तो हम उसके साथ अन्याय करते हैं। जब बाहर जाता है बच्चा तो एक्सपोजर मिलता है और एक्सपोजर ही शिक्षा का एक मुख्य घटक है। हम सिर्फ शिक्षा को उसको नहीं बोलते कि हम सिर्फ उसको किताबी ज्ञान दें और उसको सीमित दायरे में बांध दें। तो आज हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से या जो क्लस्टर हमने बनाए हैं उसके माध्यम से जहां विभिन्न पाठशालाओं के संसाधन हमें शेयर करने हैं, हम क्यों ना जो हमारे म्यूचुअल टीचर हैं उनको जिम्मेवारी दें कि अपने जो मेन स्कूल है उसके साथ साथ के जो फीडिंग एरिया में स्कूल हैं उनको भी वो जो है एजुकेट करें। अगर एक महीने में एक जगह एक स्कूल में विजिट कर ले तो मुझे लगता है उन बच्चों में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम तराशने में योगदान देने का मौका जो है वो प्रदान करेंगे। क्वालिटी पे ध्यान उस पर नहीं रह रहा है। आज हमें बच्चों को केंद्र में रख के बच्चों को किस तरह से समग्र शिक्षा दे सके, बच्चों का किस तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट उनकी हो सके, उनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो सके, जो बड़े से बड़ी चुनौतियों का भी जिंदगी में जो है सामना कर सके, हमें उनको केंद्र में रख के जो है उनके विकास के लिए सोचना पड़ेगा। हर एक्टिविटी कोई भी कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम उससे पहले सोचें इसमें बच्चों का क्या भला हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बच्चे समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिसके चलते सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ उन्हें आकर्षित करना बेहद जरूरी है। जीवन का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों को हम स्टेज प्रदान करें और स्टेज के माध्यम से जो उनके अंदर डर है, जो फियर है, उस फियर को खत्म करने में उनकी मदद करें। तो मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा जो मिडिल स्कूल के हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपकी चॉइस अलग हो सकती है, वो मिडिल स्कूल जो बाड़ी खिजोली के बच्चों ने स्वयं गाना गाया और उस पर डांस किया। कैसेट पे डांस करना आसान है, लेकिन स्वयं गाना और उस पर डांस करना जो है उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जो है सुर भी बेमेल हो जाता है, तो बेमेल सुर पे भी गाना गाना जो डांस करना है वो मुश्किल काम होता है। उसी तरीके से हमारा जो मिडिल स्कूल जोल है, मिडिल स्कूल पट्टा है, यहाँ के बच्चों ने जो है बहुत अच्छा प्रयास किया। खैर, कार्यक्रम में पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया, वहीं कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले छात्रों को सम्मानित कर उन्हें भविष्य में इस तरह से ही आगे बढ़ने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।